Assalamu alaikum my YouTube family and welcome to online class and also welcome to another biology lecture। तो हम अब देखने लगे हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। तो हमें सपोर्ट एंड मूवमेंट से ही पता चल जाता है कि हमारे जहन में एक बात आती है क्या, स्केलेटन की, कि स्केलेटन जो है वो हमें सपोर्ट और मूवमेंट बॉडी के अंदर, सिर्फ हमें नहीं बाकी भी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्या है स्केलेटन होता है जो कि सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अगर हम देखें तो स्केलेटन, व्हाट इज़ स्केलेटन? स्केलेटन एक टफ रिजिड फ्रेमवर्क होता है जो कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल अलग-अलग से भी या फिर दोनों मौजूद हो सकते हैं, तो वो दोनों से मिलके बना हुआ होता है। क्या करता है ये? प्रोटेक्शन देता है, शेप देता है और सपोर्ट देता है बॉडी को या ऑर्गेनिज्म को। तो इसकी तीन टाइप्स हैं। तीन टाइप्स कौन कौन सी हैं? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। हम आज के लेक्चर में क्या देखेंगे? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इसकी हमने टाइप्स और एग्जांपल्स देखनी है। डिफरेंट एग्जांपल्स से हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ना, जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है वो सपोर्ट या फिर मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं कुछ निडेरियंस के अंदर ये मौजूद होता है। ये सी एन आई लिखा हुआ है, ये मत समझिएगा इसको। एनिलिड्स है, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रो का वर्ड जहाँ भी हम इस्तेमाल करते हैं वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले तो इसको देख के हमारे जहन में यही चीज़ आती है स्टैटिक स्केलेटन, यानी ये जो है ना उसको एक पोजीशन या पोस्चर, स्टैटिक पोस्चर प्रोवाइड करा है। वाटर स्केलेटन यानी उसका स्केलेटन जो है, जो उसका टफ रिजिड फ्रेमवर्क है वो। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो बॉडी होती है ना ऑर्गेनिज्म की, उसकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, यानी जो उसकी बॉडी की कैविटी होती है ना उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जो किससे फ्लूइड से फील हो जाती है। इस तरह के स्केलेटन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, जिसमें वाटर जो है वो उसे रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है और जो है ना उसको सपोर्ट दे रहा है उसके बॉडी के अपने जो है स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। अभी हमने पहले भी बात की कि निडेरियंस, एनिलिड्स और इनमें सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स में ये पाया जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने कहा कि सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स है, जिसमें हमने यहाँ पे दो एग्जांपल्स देखनी है। वो कौन कौन सी हैं? अर्थवॉर्म की और सी एनिमन की। तो इसमें जो रोल क्या प्ले कर रहा है, जो रोल है इसका वो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस टू मसल कॉन्ट्रैक्शन है। सपोर्ट हम अगर एग्जांपल देखें तो वो सी एनिमन में है, उसके अंदर सपोर्ट और जो है ना उसको एक प्रॉपर बॉडी शेप और उसको रिजिडिटी दे रहा है। और जो रेजिस्टेंस टू मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना वो क्या दे रहा है, किसके अंदर है, हम अर्थवॉर्म में देखेंगे। और किस तरह जो है ना वो मसल को की कॉन्ट्रैक्शन को रेजिस्टेंस दे के जो है ना वो ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट में हेल्प करवा रहा है, क्योंकि हमने कहा कि स्केलेटन क्या है, सपोर्ट एंड मूवमेंट हम देख रहे हैं। और वो स्केलेटन से हमें मिलती है, जो स्केलेटन है वो प्रोटेक्शन, सपोर्ट, शेप, उसके अलावा यहाँ पे हम मूवमेंट भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम पहले देखेंगे अर्थवर्म में। तो बेटा अर्थवर्म में क्या होता है, हम सबको पता है अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। तो इन सेगमेंट्स में अब क्या है कि हमने क्या देखना है, हर सेगमेंट जो है ना वो अलग अलग मौजूद होता है, यानी अलग अलग जो है ना वो अपनी अपनी उसकी हर, उसको एक वॉल ने या एक जो है ना कवरिंग कह सकते हैं, या वॉल है जिसने सेपरेट किया हुआ है हर सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से, उसे हम क्या कहते हैं? सेप्टा या सेप्टम। तो जब बहुत सारी होंगी तो सेप्टम। यहाँ पे हमने सेप्टा ने इसको सेपरेट किया हुआ है हर एक कंपोनेंट को, सेगमेंट को दूसरे से। और हर सेगमेंट में जो है ना इस तरह के हमें कुछ ये हेयर लाइक यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? बेसिकली ये सीटें हैं, यानी फुट हैं जो इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसके पाँव हैं ये बेसिकली। और जो ये हमें यहाँ पे स्पेस ही नज़र आ रही है ना, तो ये क्या है, जो GVC जो है ना गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ये जो दरमियान वाली स्पेस है ये इसकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। तो अब इस जो एक सेगमेंट को अगर हम यहाँ पे बड़ा करके देखें, ये एक सेगमेंट है जिसको मैंने अलग करके सेपरेट करके देखा है। तो इसमें क्या क्या मौजूद होते हैं? एक दो तरह के मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और दूसरे सर्कुलर मसल्स। अब यहाँ पे आपको एक साइड से ही करके दिखाया गया, इसलिए आपको ये एक ही जैसे लग रहे हैं। लॉन्गिट्यूडिनल यानी अलॉन्ग द लेंथ और सर्कुलर यानी ऐसे बॉडी की सर्कुलर उसमें मौजूद है। लाइक जिस तरह अगर हम इस मार्कर की एग्जाम्पल लें तो इसकी जिस तरह ये लेंथ है, तो लेंथ वाइज यूँ ऐसे मसल प्रेजेंट है, और जहाँ जैसे ये इस तरह सर्कुलर है ना तो इस तरह सर्कुलर जो है ना मसल इसके मौजूद हैं। अब अगर हम देखें जो किस तरह से जो है ना ये एनिमल मूव करता है और कैसे इसके मसल जो है ना वो इसको हेल्प कर रहे हैं मूवमेंट में। अगर हम देखते हैं इसको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को, यानी ये जो लेंथ वाइज इसके मौजूद है। अब अगर हम ये लेंथ वाइज मौजूद है ना, तो अब इसमें क्या होगा कि अगर ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका बॉडी साइज़ क्या हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा। आपको नज़र आ रहा है ना ये मार्कर, अगर इस तरह ये लेंथ वाइज इसके ऊपर मसल अगर मौजूद है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये क्या हो गया, इसका साइज़ छोटा हो गया। तो इसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो शॉर्टन यानी जो सेगमेंट है ना वो छोटा हो जाएगा। और अगर सर्कुलर मसल्स जो हैं, अब ये इसकी यहाँ से एग्जांपल लें कि ये सर्कुलर मसल है। अब इसका क्या हुआ कि ये जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो बॉडी क्या होगी, इलोंगेट हो जाएगी यानी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह है ना ये सर्कुलर मसल, तो इस तरह से ये जब ऐसे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये बॉडी यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी यानी उसकी इलोंगेट हो जाएगी। तो सर्कुलर मसल ने जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो बॉडी उसकी इलोंगेट होगी, और लॉन्गिट्यूडनल मसल ने जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो बॉडी उसकी शॉर्टन होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, और यही इसकी जो लॉन्ग शॉर्ट और इलोंगेट होना जो है ना, इस तरह करके, मतलब एक तरह से बॉडी छोटी हो रही है फिर इलोंगेट हो रही है फिर छोटी हो रही है फिर इलोंगेट, तो इस तरह इसकी ये जो शॉर्टन सेगमेंट और जो इलोंगेट हो रहा है सेगमेंट, तो ये क्या करता है, इसको हेल्प करता है मूवमेंट में। इस तरह से ये एनिमल जो है वो मूव कर रहा है, यानी जो हमने रेजिस्टेंस मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी कि जो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये मसल्स जो हैं इसको एक्चुअली यहाँ पे सपोर्ट किस तरह से दे रहे हैं, इसको मूवमेंट में हेल्प करवा रहे हैं इसकी। एक तो उसको सपोर्ट तो ये हो रही है ना कि उसके मूवमेंट में हेल्प हो रही है। अगर हम सी एनीमोन में देखें तो सी एनीमोन में बेटा क्या होगा कि इसकी सी एनीमोन की जो बॉडी है वो कुछ इस तरह से होती है। ये उसके टेंटिकल्स निकलते हुए जा रहे हैं, ये इसकी डाउन नीचे वाली बॉडी है, और ये इसका जो ऊपर वाला माउथ हम इसे कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वाटर है ना वो बेसिकली आता है, क्योंकि ऑब्वियसली सी एनीमोन कहाँ पे रहता है, जो अर्थवर्म था ये डैम्प शेडी जो मॉइस्ट प्लेसेस होती हैं ज़मीन के नीचे मोस्टली। जब हम अगर कहीं ऐसी ज़मीन में खुदाई करें जैसे फसलें वगैरह होती हैं उसके नीचे से हम खुदाई करें ना, तो वहाँ पे अर्थवर्म निकलते हैं। तो ये मॉइस्ट प्लेसेस में रहता है और शेडी टाइप प्लेसेस जो है ना उसमें हम कह सकते हैं। जो सी एनीमोन है ये तो रहता ही पानी के अंदर है, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कि इसको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए या जो उसका स्ट्रक्चर है या अपने आप को इरेक्ट रखने के लिए ये क्या करता है, पानी जो है वो अपनी कैविटी के अंदर लेके आता है और फिर उसके थ्रू जो है ना ये अपने आप को, अपनी बॉडी के पोस्चर को मेनटेन रखता है। तो अब ये करेगा किस तरह से कि इसने जो इसके मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे किस तरह से कि उसने अपनी जो ये इसकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है इसने अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, बॉडी इलोंगेट होगी। अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि बॉडी इलोंगेशन होती है, लेकिन उससे पहले क्या होगा कि यहाँ से जो इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में वाटर है, यहाँ आपको जो ब्लू कलर के एरोज़ नज़र आ रहे हैं ना ये एक्चुअली पानी दिखाया गया है। क्या हो रहा है कि वो इसके माउथ से इंटर होता है, ये जो इसका अपर पार्ट है यहाँ इसका ये माउथ है, यहाँ इस माउथ से पानी अंदर इंटर हुआ और इसकी एक ही मतलब कैविटी होती है जिससे पानी अंदर आना है और निकलना भी बाहर है, यानी जो इंजेस्शन है और जो एक्सक्रीशन है वो एक ही पोर से हो रही है और वो इसके माउथ से हो रही है। तो यहाँ से वाटर इंटर हुआ, जो इसके मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, और ये कौन से मसल होंगे, सर्कुलर मसल्स, क्योंकि हमने सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या कहा कि बॉडी इलोंगेट होती है। अब क्या होगा कि इसकी बॉडी हो गई इलोंगेट, पानी कहाँ आ गया, ये इसकी थी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, यहाँ भी हमने GVC से इसको शो करवाया है। तो क्या होगा, अब जल्दी से इसने, मैंने यहाँ टेंटिकल्स ने दिखाए ताकि आपको डायग्राम थोड़ी ना सही से समझ आए। ऊपर वो बहुत ज़्यादा इस तरह वाटर और टेंटिकल्स मिक्स हो गए, आपको उसकी बॉडी की समझ आ गई है, लेकिन आपने इस डायग्राम में भी बनाने हैं जब पेपर में बनाएंगे तो अब यहाँ पे क्या होना है, इसने अपना माउथ क्लोज कर लेना है, माउथ इसका बंद हो गया। फिर उसके बाद क्या है, अब बॉडी इलोंगेट होगी सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, तो पानी किसके अंदर आ गया, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर। अब वो यहीं पे जमा हुआ है, उसने क्या करना है कि जो बॉडी की बाकी फ्लूइड्स हैं ना उनके ऊपर वो प्रेशर डालना शुरू करता है, और फिर उससे क्या होगा कि जो फ्लूइड के ऊपर प्रेशर डालने से जो बॉडी इसके स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह मेनटेन होता है, और फिर जो है वो ये क्या करेंगे, अपने आप को इरेक्ट पोजीशन में रखते हैं, यानी इलोंगेटेड पोजीशन में जब इसने रखना होता है तो अपने आप को ये इस तरह से रखता है, अपनी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर पानी लेके आता है, अपने माउथ को क्लोज कर लेगा ताकि वहाँ से पानी बाहर ना निकल जाए। फिर वो जो पानी है वो इर्द गिर्द क्या करेगा कि इसने फ्लूइड्स के ऊपर अपना प्रेशर डालना शुरू कर देना होता है और इस तरह से जो है ना वो इसकी बॉडी के ऊपर एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से जब इसकी बॉडी लॉन्गेटेड एक तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रहती है और दूसरा फिर ये होता है कि अपना उसका जो पोस्चर है वो उसने मेंटेन किया हुआ है, यानी ये इस तरह से इसको सपोर्ट कर रहा है। तो हमने क्या पीछे पढ़ा था कि बॉडी विच हैज़ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ये हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की यहाँ पे एग्जाम्पल को डिफाइन उस की डेफिनेशन को एग्जाम्पलीफाई करके हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ऐसा स्केलेटन जिसके अंदर बॉडी में क्या होता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, इसमें भी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी थी, जिसमें क्या होता है कि एंड इज फ्लूइड फिल्ड, और वो फ्लूइड से फिल हुई हुई होती है। फ्लूइड इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर ज़्यादा होता है कि क्योंकि इसने रहना पानी में है, तो ये अपने उस फ्लूइड फिल से जो है ना अपने आप को सपोर्ट दे रही है और मूवमेंट इसके अंदर जो हो रही होती है फिर वो और तरीके से होती है जब ये पानी को इजेक्ट करता है और फिर वो प्रेशराइज होता है। इसकी हम बाद में इंशाल्लाह लोकोमोशन देखेंगे कि इस तरह से होती है सी एनीमोन में और बाकी जेलीफिश वगैरह के अंदर भी। तो अर्थवर्म जो है ये क्या कर रहा है कि अपनी जो रेजिस्टेंस है मसल कंट्रैक्शन से उससे जो है ना ये करके और अपनी मूवमेंट में हेल्प हो रही है इसको। तो ये था हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के बारे में और स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स में। इसमें हमने एक स्केलेटन की टाइप पढ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम अपनी लेक्चर्स में देखेंगे एक्सोस्केलेटन को और एंडोस्केलेटन को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।